डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, हमारे पास एक कंपाउंड है मिथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, इसमें एक कार्बन और चार हाइड्रोजन एटम्स है। अब इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी चार इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कि आप कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और कौन से एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा और इसके साथ जो हाइड्रोजन के चार एटम्स जुड़े हुए हैं, हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा। इस तरह आप प्रोपेन को भी देख सकते हैं। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। तो इसमें तीन कार्बन्स हैं, सबसे पहले हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके गिर्द जितनी भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा।